مقصومين مظلومين ولعنة الله على الظالمين والقاتلين والغاصبين والناصبين والمنكرين أما بعد ناقي علي مظهر العجائب تجده لك في النغائب كل عمد وغمد سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا حول ولا قوة الا بالله و سلام گزارش ہے ایک مرتبہ سبحان اور تین مرتبہ سبحان اخلاص کی بنا فرما کر شہنشاہ حسین الدین اتنے عابد انسان کی روح کو اصحاب دیکھیے ابھی کرنے کی طرف پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں بزرگوں کا بہت زیادہ قدردان ہوں جوتیا ہمارے سر کا تاج ہے میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ شیروانی کو بھی پہن لیا تو بزرگوں کے اقدار کو روکنا شروع کر دیا اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی عزت کو رون دیا تو پھر یہ یقین جانیے کہ ہمارا منبر پہ بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا ہے یہ دور بڑا خراب گزر رہا ہے اس دور میں جیسے ہی آدمی ایران جاتا ہے یا کسی مدرسے سے پڑھ کے لوٹتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ چچا ہم کو سلام کرے ہم کو سلام کرے ہم کو سلام کرے بھائی اما ہم کو سلام کرے بھابی جان ہم کو سلام کرے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کے مجمع میں میرے بھائی سنو علم انسان کو مؤدب بناتا ہے بیادب نہیں بناتا اس لیے میرے لیے بہت بہت قیمتی ہے رجا کے اور میں ان کے سہارا لے کے ان کی سرپرستی میں اپنے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو میری پرسنالٹی ہے اور میرا چہرہ ہے اس اعتبار سے لوگ تصور کرتے ہیں میں قتل ویسی میں کچھ نہیں پہنچا اسے کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا گوائل ٹولی میں پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں محنت کر کے پڑھیے گا میں نے کہا گوائل ٹولی والوں نے تھوڑی نہ بلایا یہی تو میرا پہلی ہے اگر گوائل ٹولی والے بلاتے تو میں ان کی کچھ روزی کے لیے پڑھتا زہرا نے مجھے بلایا ہے واہ واہ واہ
और हाथ छोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरी मरीज के बाद आप क्या राय कायम करें। मुझे ना लिफाफे की फिक्र है, मुझे ना अपनी तारीफ की फिक्र है, अपना दोनों तरफ का टिकट करा कर चलता हूं जी। कि अगर मामला ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो हमारे पास टिकट है, नहीं है तो मैं पैदल चला जाऊं। जी साहब, तब तकलीफ आते के लिए मरीज पढ़ू कौन बर्बाद हुई जा रही है, तो हिस्सों में बदला बन गया है हमारा। आधा बदला तो फर्श पे बैठता है, आधा बदला बाहर वाला रहता है, जिसका मैंने नाम दिया है कि आधा बदला अली वाला है, आधा बदला गली वाला है। लेकिन जो गली में खड़ा रहता है उन्हें याद रहे कि तुम्हारे पढ़ने वाले सरदार को अली वाले मजमे की जरूरत है, गली वाले मजमे की जरूरत है। गली वाला मजमा क्या तमाशा था, दो तरीके का मजमा, एक बेचारा तो आगे बैठ जाता है, दूसरा उस वक्त आएगा कि जब मौलाना सलाम पढ़ाए तब आगे भीड़ लौट आएगी। सुन लीजिए, जिस दिन हमारा ये मजमा और हमारा नौजवान फर्श आदा पर शुरू से बैठने लगेगा, उस दिन हमारी कौम में न कोई खाली पैदा होगा न कोई अखबारी पैदा होगा। मैंने ये पेश खैमा को बनाया है
किसी अहम मामले की तरफ आप उड़े हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आज माशरे का हाल जानते क्या हो गया? माशरे का हाल जानते क्या हो गया? माशरे का आलम यह है कि मजलिस इमाम रजा की शहादत की है, फजाइल मिंबर पे अली इब्न अबी तालिब का इस्लाम कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या इनका नाम अली नहीं है या इनकी रगों में अली का खून नहीं है? ये बताइए कि इमाम रजा के दौर में खैबर वतन को होना छोड़ देते? मुझे पूरा मनमा बोल के बताया, मैं क्वाल टोली में बोल रहा हूं, बड़ा तबसरा होगा मुझसे। मुझे बताइए इमाम रजा के दौर में खैबर होता तो छोड़ देते मौला? नौ खाड़ते फरजंदे अली है कि नहीं है ना? फरजंदे अली, इसमें कोई शक है क्या? इमाम कादिर के दौर में अमर बिन अब्दुल्लाह जाता तो छोड़ देते मौला? छोड़ देते नहीं ना, पछाड़ते ना। छठे इमाम के दौर में मरहब आता तो मौला छोड़ देते? तो इसका मतलब यह है कि शजाअत तो वैसे ही है। अरे भैया, जिसकी चौखट पर रहने वाले सलमान के फजाइल की कमी नहीं है। बोला जाए मुसलमान को मानिए,
कोई है तो कहे छठे इमाम की मिलाए से इनकार है मुझे, कोई कहे तो सातवें इमाम की मिलाए से इनकार है मुझे, तो सात रहना इसरार है तो कहते रहिए अशहदु अन्ना अलीन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना हसन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना हुसैन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना ज़ैनुल आबिदीन। क्यों नहीं पढ़ते इसी पे इसरार क्या है? सुनिए, दुश्मन जब आपको जहर देना चाहेगा तो कभी नीम के पानी में आपको जहर नहीं देगा। No!
ईमान के तहत है कि नहीं है, गुदुक छोड़ा सर झुकाए बैठे, उसे पता ही नहीं कि मतला क्या है, उसने मतला क्या है, गुरेज का है, इश्तिहारा क्या है, तो फिर तालीफ क्या है, तंकीर क्या है, इश्तिहारा क्या है, मस्ता क्या है, उसे कुछ पता नहीं है। पर वो चार तो शेर कह लिया उसने, इधर उधर से भिड़ा तो वो अपने को मन बैठा, शायद चच्चा ने कहा हमारा भतीजा हो गया, शायद अब्बा ने कहा हमारा बेटा हो गया, शायद अब टारगेट किए भी है खाली उसी को दाद देंगे। वही उसके बाद वाला बेचारा कोई बैठा उससे अच्छा शेर पढ़ रहा, उनको नींद भी आने लगी है, अब उनको समझ में भी नहीं आ रहा। अब देखिए हकीकत है ना, तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो हकीकत बोलने का आदी हूं। एक जगह मैं नींद पढ़ के उतरा तो बोल रहा हूँ, गोद में उठा लिया, मैंने कहा बहुत भारी भाई बोल रही आपको हाथ बोलने की ताकत दे दी है, मुझे बचूला याद आ गया, इसलिए मैंने आप लोगों को किसी पर पेश कर दिया, तवज्जो मिला दी दो जी। अब साहब अपना भतीजा मजलिस पढ़ रहा है, फजाइल वाह वाह मसाइल जैसे ही शुरू किया वो, अब मसाइल के बाद भी वो चुप नहीं हो रहे, रोते जा रहे, अपनी अंजुमन में हाथ पड़े हुए फजाइल में दोनों हाथ से वाह 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 मसाइल उसे पहले से रोने के लिए एकदम, अब वो दूसरी अंजुमन या दूसरा दाखिल बैठा, अब साहब को ही फजाइल पढ़ रहा है लेकिन ये वाह वाह नहीं कर रहा, वैसे ही उससे अच्छा मसाइल पढ़ रहा है रोता नहीं। इसका मतलब ये है कि ये न रो रहा न वाह वाह कर रहा है, अदाकारी कर रहा है। चेहरे की शिकन पर गौर मत कीजिए, 3 बजे का चला हुआ, आज देखा आपने कितनी खतरनाक हवा थी, 2 मजलिस हुई है मेरे सामने, मैं वो वाला मुम्मी हुई नहीं कि खाली अपनी मजलिस में जाऊंगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाए, बड़ी मुश्किल से नाम देने के लिए गया, दिन भर धूप में बैठा रहा हूँ, अब सुबह की शीत तहर लगी और खांसी भी आने लगी, बस होगा मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मसला है किसी मतलब मम्मी ने बुलाया जान चली जाएगी, वादा नहीं छोड़ता है जी, कयामत आ जाए
साहब अजान में अली वलीउल्लाह है, अकामत में अली वलीउल्लाह है। आदमी कहता है हाँ सही बात है, अमानत में अली वलीउल्लाह क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं, होना चाहिए कि नहीं? अरे शर्माइए नहीं, अगर फिक्र गलत है तो उसकी इसलाह है। किस चीज में अली वलीउल्लाह होने चाहिए? तशहुद में नहीं जी। अब देखिए बुजुर्ग ने फौरन कहा कि नहीं कहा, ऐसे ही जो सारी चीजें जो आपने बयान की है वो मुस्तहबात में जी, ये वाजिबात में जदा करना, इसलिए इसलिए कतई नहीं होना चाहिए, कोई उसमें घाल मेल या कोई मिलावट कतई नहीं होनी चाहिए। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, इनकी सेहत और सलामती के लिए परमतरीन नारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप इजाजत दें तो जरा से दो जुमले मैं नौजवानों के लिए कहूँ, मजमा ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, चौक ही नहीं रहा, आपके बाप का मेंबर है कुछ भी कह के चले जाएगा। सुनिए जबकि बातें मैं कह के जा रहा हूँ, बुजुर्गों से माजरत के साथ नौजवानों से अर्ज कर रहा हूँ, बांध के सुकून में रखिएगा जब तक मैं जवाब लू। मेंबर है इसे इधर उधर बहुत जिम्मेदारी की चीज है मेंबर, कोई अपनी सियासत के लिए मेंबर को यूज कर ले रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, साहब अलिफ लैला की टोपी लगा के हमारे खुतबा के सामने लोग मेंबर पर बैठ रहे, उनको 20-25 हजार रुपए लोग बुला के दे रहे हैं। लीजिए साहब तमाशा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बुलाइए, मैं आओ किसी का किसी की मुखालफत नहीं करता हूं, बिल्कुल बुलाइए, लेकिन उससे कहिए कि अगर मेंबर पर बैठ रहे हो तो जहरा के खातिरों पर लानत कर देंगे। आओ, क्या तमाशा किया आपने? क्या 70 साल तक बनू मैया का मिंबर पे कम कब्जा था जो 2021-22 में मैंने मिंबर पे बिठाया? सहरा के दिल को दुखाइए नहीं, वो मिंबर पे बड़े बड़े 72 ताहूत 18 बनी हाजी में पकड़ में कह के आया, बड़े बड़े प्रोग्राम में मिंबर पे, ये बताइए कि अगर उससे कोई पूछ ले कि वधु का तरीका बताओ कौन सा बताएगा? मुझे बोले बन मांगे, अगर मुझे यहां से नहीं बोलने देंगे तो वहां खड़ा होकर बोलूंगा, लेकिन उसके लिए जाऊंगा, मैं बहुत इतनी खतीब हूं, आपको बुरा लगे आप कुछ ना कीजिए, मुझे पहले इसके बाद खाना मत खिलाइएगा, लेकिन पूरे हिस्से की मुझे बात करने दीजिए। बहुत हो चुका, पब्लिक तय कर रही है कि मौलाना क्या पढ़ेंगे, मरीज तय करेगा कि डॉक्टर कौन सी दवा देगा, हम जानते हैं कि तुमने को क्या क्या सुनाना है और क्या कहना है, और अगर मेयर के खिलाफ खतीब है तो उसे मेंबर पे ना आने दीजिए, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। वो का तरीका उससे पूछा जाए तो अपना वाला बताएगा ना, आप वाला तो नहीं बताएंगे। अजान कोई कहे, अरे मान लीजिए शिया सुन्नी को छोड़िए, एक यहूदी मजलिस में आ जाए, कानपुर इतनी बड़ी आबादी है, वो बैठ जाए कहे साहब हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो मेंबर पर बैठा हुआ जैसे ही कहे इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो हाथ जोड़ देते कलमा पढ़वा दीजिए हमको, कौन सा कलमा पढ़ेगा? वो कौन सा कलमा पढ़ाएगा मेरे अजीजों, जिसे आपने मसलहत के नाम पर मिंबर पर बिठा दिया है, जो आलिम बन के बैठा है उससे ज्यादा फर्ज पर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग जानते हैं, और उसे पढ़ा सकते हैं, मिंबर को मेयार दीजिए। सुनिए, जिस तरीके से आपने मुसल्ले का मेयार बचाया तो हर आया गया मुसल्ले में नहीं आता, इसी तरह मिंबर का जिस दिन मेयार बचा लेंगे तो चाहे मिंबर पे आके नहीं बैठेगा। मिंबर का मेयार बचाइए, ये शायद लाइव है, इसे महफूज करके रखिए, मैं बहुत निशाने पे हूं कहीं भी, यहां तो इसलिए आया हूं, बहुत लोगों ने कहा आप आइए कोई मसला नहीं, पर मैं जानता हूं कि ये हमारे भाई बहन हैं, इस उम्र में भी हूं, मौत को ठिकाना नहीं, लेकिन हयात जहरा का हाथ तो बोलना पड़ेगा मिंबर पे, जब दार पे बोला गया तो मिंबर पे क्यों नहीं? मेरा सवाल किसी को फिक्र नहीं, तवज्जो मेरे अजीज मेरे दोस्त, अजान में अली वलीउल्लाह है, अकामत में है, नमाज के तशहुद में क्यों नहीं? मैं कहता हूं है, बगैर विलायत के कोई नमाज नमाज नहीं हो सकती। आइए, बड़ा मशहूर मसला है लेकिन आपका जहन इस तक नहीं पहुंचा, इब्ने अब्बास मौला के पास है, या अली सूरह हम की तफसीर कर दीजिए, रात भर भी सुनाते रहे, सुनाए गई
इब्ने अब्बास, अभी तो बिस्मिल्लाह की भी तफसीर नहीं। तो कहा मौला फिर मुख्तसर कर रहा हूं, कहा मौला फिर का सुनो सुनो जो पूरे कुरान में है, वो सूरह हम्द में है, जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, और अला नुक्ता तो तहत अल्बा, मैं उस पेड़ के नीचे पड़ा रहने वाला नुक्तान तवज्जो नहीं किया। दुनिया सोच रही है कि अली के नाम से नमाज का खात्मा हो, खुदा अली के बगैर नमाज शुरू ही नहीं कर रहा। खुदा अली के बगैर नमाज शुरू नहीं कर रहा। सिर्फ अली का नाम नमाज में नहीं, अली का नाम नमाज में नहीं, फातिमा का भी। इन्ना आतैना कल कौसर, तफसीर अनवारुल नजम छठे इमाम से आदमी पूछ रहा है। कि मौला इरशाद हो रहा है मेरे नबी, हमने आपको कौसर अता किया, क्या इस कौसर से मुराद वही कौसर है जो जन्नत में है? इमाम ने फरमाया नहीं, कौसर से मुराद वही जन्नत फातिमा रह रहा है। पढ़ते कि नहीं पहली रिकत में सूरह हम्द के बाद इन्ना आता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि नमाज में खाली नामे अली नहीं है, नामे फातिमा भी है। अब सवाल होगा कि साथ खुल के काहे नहीं लिया, वही मसला सामने आ जाएगा आपके, क्या अगर खुल के कुदरत में नहीं लिया होता तो न जाने कितने अली पैदा हो जाते, कितनी फातिमा पैदा हो जाती, दुश्मन की साजिश पहले ही कामयाब हो जाती। लिहाजा अल्लाह ने दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं की। अब सवाल यह है कि तशहुद में है कि नहीं, तशहुद पढ़िए क्या है? कोई आदमी हमको तशहुद पढ़ के सुना सकता है बुजुर्गों के अलावा हमारा के साथ? कोई जवान आप सुनिए शरई मसला क्या है, तौजुल मसाइल उठा के देखिए। ये जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद है, फरीकैन के नजदीक है कि अगर इसे छोड़ दिया तो नमाज बातिल है। इसमें कौन सी चीज ऐसी है? बगैर हुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है? तवज्जो अधिकार होता है। मुझे ऐसा मजमा बड़ा पसंद है, मजलिस ने क्लास रूम बनाई है, ये जनाबे सैयदा की कायम करदा यूनिवर्सिटी है, जहां से हमारा नौजवान कुछ लेके जाए, कुछ पढ़ के जाए, कुछ उठा के जाए, खाली दामन। ऐसा ना हो कि बाहर निकलिए कोई बुजुर्ग पूछ ले क्या पढ़ा, बहुत अच्छी पढ़ी, हमें पढ़ा क्या, बहुत अच्छी पढ़ी। नहीं, हमारे नौजवान को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे मिंबर से हमारे खतीब ने मेरे अजीजों में किसी के खिलाफ नहीं बोलता ना बोलूंगा, ये मिंबर है। मैं बताइए किसी को पहचानता हूं, किसी को जानता हूं? लेकिन सवाल यह है कि यह हकीकत हर माशरे की, इस पर तबसरा हमको करना पड़ेगा। क्या सलावत क्या कहा के अगर इसे न कहा तो नमाज बातिल, नमाज बातिल, नमाज बातिल। मैंने अपने उस्ताद मौलाना वली साहब, हो सकता है आपके इलाके में आते हो, पूछा कि वो साहब इस सलावत का मसला क्या है, इसके बगैर नमाज बातिल क्यों? उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला
मेरे नौजवान, अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ हुई हो, मिलने जाफरिया का सबसे अपना करीब खतीब आपकी जूतियों का खाक होने के नाते आपसे बात अच्छा, लेकिन हकीकत यही, आप पढ़िए, सुने सुनाए इस्लाम को कबूल मत कीजिए, सुने सुनाए इस्लाम का नतीजा देख रहे रिदवी आज त्यागी होकर टहल रहा है, पढ़िए पढ़िए, आपको 16 आयतें निकाल दीजिए, वो सबसे बड़ा ताकतवर है, उसने कहा 16 आयत तो कुरान में ही रहेगी, तुम इस्लाम से निकाल दिए जाओगे, क्या कहना, इस्लाम से निकाल दिए जाओगे, नतीजा क्या हुआ, इस्लाम से, मैं हिंदू भाइयों से निकल रहा हूं लाइन पे, इसलिए मेरे हिंदू भाइयों इसके फायदे में फंसना नहीं, इसके चक्कर में आना नहीं, इसलिए कि जो 45-50 वर्ष तक कलमा पढ़ के मुसलमानों का न हुआ तो भगवा पड़ेंगे हिंदुओं का, क्या ये लोग किसी के नहीं है, ये हुकूमत के पिट्ठू हैं, ये वक्त के कुत्ते हैं, जिधर हड्डी मिलेगी उधर, अरे साहब कुत्ता आप पालिए, उसको एक दिन खाना ना दीजिए, दो दिन खाना ना दीजिए, वो आपसे पूछेगा थोड़ी ना कि किसके दरवाजे जाना है मुझे, जहां उसे रोटी मिल जाएगी वही चला जाएगा, मैं उस चाइना वाले को सलाम करता हूं जिसने ये कहा कि आपने हिंदू धर्म कबूल थोड़ी ना किया है, आपको इस्लाम से निकाला गया था, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कुत्ता है जो पागल हो गया था तो इस्लाम से उसे निकाल दिया गया, उसने जहां रोटी देखी वही बैठ गया, यहां वाले सीबीआई से बच जाओगे, वो जो महशर में सीबीआई लगी हुई है उससे तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है मेरे अजीज, मरहला कहां तक पहुंच गया कि अलग से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, तशहुद में एक की गवाही नहीं 12 की गवाही, हमारे ऊपर 12 की विलायत वाजिब है, पर्दे वाले सरदार है हमारे, क्या उनकी विलायत को कबूल नहीं करते, तो उनकी गवाही दीजिए कि नहीं दीजिए, अच्छा देखिए आप कहेंगे साहब कलमे में जी, जैसे ही आपका बच्चा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वलीउल्लाह, नीचे किताब में तंजीब वाली में देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले, क्यों अली की विलायत सरीही तौर पे हो चुकी, इसके जरिए से 11 की और की विलायत की गवाही दी जाएगी, अजान में जैसे हुआ अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह या अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह है वखलीफतुहु बिल फज्ल पे जैसे ही मुअज्जिन रुका मजमे में क्या पढ़ा, किसी बरादर को ना समझ में है, मैं अभी हूं उससे और पूछ, मैं जवाब दू आपसे, हम जो भी गुजारिश करूं, दस अगर ना समझ में आए तो उसे कई बार सुना जा सकता है, उसे कई बार पूछा जा सकता है, मजलिस को मजलिस नहीं दस बनाइए, क्यों, इसलिए कि ये ज़हनत की यूनिवर्सिटी है, आपने इस यूनिवर्सिटी का रुख ही मोड़ दिया दूसरी तरफ, यूनिवर्सिटी में तो लैब तय करेंगे कि क्या पढ़ा जाएगा, कौन तय करेगा, टीचर तय करेगा कि दस कैसे दिया जाएगा, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है बुजुर्गों के हवाले से, तवज्जो अजान में भी मौजूद है सबकी विलायत, अकालत में ये मसला तय हो गया करीबन करीबन सबकी विलायत मौजूद है, अब मसला ये है साहब कि हम इमाम जमाना की टॉयलेट तकलीफ कर लेंगे, इनकी तकलीफ काहे कर, उनकी तकलीफ क्यों कर, उनकी तकलीफ क्यों कर और उनकी तकलीफ, हम इमाम की तकलीफ करेंगे, पहला मसला ये है कि हमारे ऊपर तकलीफ होनी नहीं चाहिए, सही बात है, हम काहे को तकलीफ करें भाई, हम काहे को तकलीफ करें,
इंजीनियर डायरेक्ट बन जाइए, स्कूल जाने की क्या जरूरत? डॉक्टर डायरेक्ट बन गए, स्कूल जाने की क्या जरूरत है? प्रोफेसर डायरेक्ट बन गए, स्कूल जाने की जरूरत? क्या स्कूल जाना इसलिए जरूरी है ताकि इसके जरिए से डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, प्रोफेसर बन सके? मेरे दोस्तों, तकलीफ तुम पे थोपी नहीं गई, तकलीफ इसलिए रखी गई ताकि तकलीफ के जरिया इस काबिल तो बन जाओ के नाम की बयत के लायक बन जाओ। अभी तो वजू सही नहीं है हमारा, मैं अपने को कह रहा हूं, अभी तो नमाज सही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि पहला पानी ऐसे डालना है कि ऐसे, दूसरा पानी कैसे डालना है, तीसरी बार डाल दिया तो हुक्म शरीयत, तीसरी बार का क्या हुक्म है भाई? तीन बार अगर किसी ने वजू में पानी डाला तो हाथ पे तस्लीस बातिल है ना, पर तस्लीस बातिल, यही तो जुमला है ना शराया वगैरह में है लोगों ने कि तस्लीस जो है वो बातिल है। चेहरा कैसे धुले हैं ऐसे ऐसे मन ले चारों तरफ हाथ जल्दी जल्दी, हालांकि मजमा बड़ा खतरनाक है, वो तबलीग उबलीग पसंद नहीं करता, मुझे आपसे ज्यादा उनकी फिक्र है शहनशाह हुसैन की। एक आदमी का भी वजू सही हो गया ना, एक आदमी भी सबर के उठ गया तो मैं भी कामयाब, वो भी कामयाब। जी तवज्जो, पता ही नहीं अभी हमको, पता ही नहीं कि सर का मसा कैसे करें, खींच के आगे वाले पानी में मिला दें, हवा में झुलाते हुए मसा कर लें या जमीन पर रख के करें। ये सारे सवाल इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप उलमा से पूछिए या हमसे बातें पूछ लीजिएगा मेंबर साहब। तवज्जो करने के लिए करना है, मगरिब की कितनी नाफिला है, सुबह की कितनी नाफिला है, जोहर वास्ते की कितनी नाफिला है? मैंने बहुत जगह पूछा जोहर वास्ते की नाफिला कितनी है, नाफिला तो दूर की बात कितनी है, लोगों को यही नहीं मालूम था कि नाफिला है लेकिन नहीं जोहर की और असर की। सुबह की सुबह से पहले क्यों है, मगरिब की मगरिब के बाद क्यों है, ऐशा की बैठ के क्यों है, जोहर वास्ते की उससे पहले क्यों है? तवज्जो है नहीं, ये सारे रीजन सही से ये कौन बताएगा? खाना घर में कौन बनाता है भैया? खाना कौन घर में बनाता है? छोटे बच्चे लोग, मम्मी बनाती है, हाँ बड़े भाई लोग भाई बनाते हैं, और तो खिलाफ नहीं कोई खाने के लिए परेशान है, घर को जिंदा लेके रखो, कोई भी घर का दूसरा आदमी बनाता है तवज्जो कर रहे हैं, खाना को क्यों बना रहा है? का हमको सही से खाना बनाने नहीं आता है, तो किचन में किसके ताबे हैं? क्या कहने सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, किचन में अहलिया के ताबे हैं ना, क्यों ताबे हैं? कहले उसका इल्म नहीं है, जिस चीज का इंसान को इल्म ना हो उसके मसले में किसी की पैरवी करना किसी का नाम नहीं है। मुझे इंसाफ से बताइए अच्छा था, हम इमाम की तकलीद करेंगे, सुनिए इमाम की तकलीद हो ही नहीं सकती, इमाम की क्या होती है? बयात, इमाम की बयात होती है, बयात और तकलीद में क्या फर्क है? क्या तकलीद में अख्तियार है कि ये समझ में आए तो उनके मसले पे अमल करो, इनसे अगर हमारा मामला सही नहीं है तो उनके नाम पर तकलीद करो, अगर तकलीद करनी है यानी किसी एक मर्जा की तकलीद, ये नहीं हो सकता कि अगर आली समझ में ना आए तो इनकी तय बयात कर लो, इनकी बयात कर लो, इनकी बयात कर लो, मैं खुल के कह दूं ये नहीं हो सकता कि आली समझ में ना आए तो अब पता है बगदादी की बयात कर लो, इमाम उसे कहते हैं कि उसका ऑप्शन नहीं है, इमाम हाकिम कायनात है,
तो इमाम की बयत होगी, इसलिए कि वो तुम्हारे ऊपर, तो इमाम की बयत इनकी, उनकी तकलीफ क्यों कायमा घर में। कोई तो ऐसा हो जो हमको सवारे सजाए, बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो कोई तो हो सजाए, माँ ड्रेस पहनाएगी, बैग देगी, किताब देगी, ताकि वो स्कूल जाए, है? कोई स्कूल, कोई बच्चे को सजाने का, इसको सजाया क्यों जा रहा, का चूंकि सजने की इसके अंदर सलाहियत नहीं है। स्कूल जाने के लिए जैसे बदन को सजाने की जरूरत एक मां की है, वैसे ही इमाम के लश्कर में दाखिल होने के लिए किरदार को सवारने के लिए जरूरत मां चाहती है। जरूरत मर जाती है। अब आखिरी मसले पर भी आ जाओ, आप परेशान तो नहीं हो रहे? पढ़ो थोड़ा सा, नमाज का वक्त तक है अभी, बहुत टाइम है। अच्छा है, बहुत मध्य बना आपसे गुजर जाने पाँच बजे तक है। कितने बजे? 5:30। अच्छा अभी 5:07 हुआ है, मैं नमाज से पहले आता हूँ। आप किताबें हो एक सलाह पढ़ो। थोड़ा सा आप आगे की से कहीं बहुत कुछ खड़े हैं गुजर में समझेंगे तो आगे नशीब रखें। थोड़ा थोड़ा आगे आओ, एक सलाह पढ़ देंगे अपनी सलाह। तकलीफ इसलिए जरूरी है कि इनके जरिए से हमारे किरदार को, हमारे किरदार को मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि मेरी कौम का बच्चा बच्चा बहुत तमन्ना है दिल में कि अखबानी हो जाए, काश किया ऐसा हो जाए कि अखबानी हो जाए। चाहता हूं कि कौन का एक जवान अखबानी हो जाए, एक बुजुर्ग अखबानी हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत दिनों से चाह रहा हूं, हो नहीं पा रहा है। क्यों? इसलिए कि अखबानी बनने के लिए पूरा कुरान याद करना पड़ेगा, उसूल काफी की सारी जिंदगी याद करनी पड़ेगी, किताबों को सामने रख के मसले शरी की जरूरत के तहत आप इखराज कर लें, मसले शरी को जरूरत के तहत आप उन्हें निकाल लें, मसले शरी को ऐसा कर ले तो आपके ऊपर तकलीफ हराम। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर ऑप्शन ये है कि आप मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, मेरे बुजुर्ग, क्यों ऐसा ख्याल बन गया है कि छत पे जाएंगे मगर जीने से नहीं जाएंगे? जानते हैं आपको छत पे जीने से कौन फेर, बगैर जीने के कौन फेरना चाहता है? इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, या तो वो आपके किरदार को बदनाम करेगा या आपको नीचे गिराना चाहता है। हमारा भाई गिर जाए हम उसे गिरने नहीं देंगे, हमारा भाई और बदनाम हो जाए हम उसे बदनाम होने देंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप सोचेंगे कि मौलाना को क्या पड़ी है, इतने बड़े बड़े लोग आए किसी ने कुछ नहीं कहा, इस गदीरी को क्या पड़ी हुई है कि ये बोल रहा है। मेरे अजीजों, मैंने हिदायत का ठीका ले रखा, अब इससे ज्यादा बात बातें लग नहीं कर सकते। मैंने हिदायत का, क्यों ताज्जुब में है इस लफ्ज़ से, मैंने हिदायत का ठीका ले रखा है। हाँ, अगर जमाना जब इब्राहिम से बहकाने का ठीका ले सकता है, मारने का ठीका नहीं ले सकता। मेरे दोस्तों, मजलिस को क्लासरूम बनाइए, मजलिस से कुछ लेके जाएंगे, मजलिस से यूं ही, आपको पता है जी सबसे मजलिस में सबसे खतरनाक काम क्या किया मैंने? अब औरतों के खिलाफ हो, खिलाफ नहीं, उनकी फिक्र को सही करना। ये बताइए कि अल्लाह मियां का ये मालूम नहीं है क्या कि ये मजलिस किसकी है ना, किस बुजुर्ग की मजलिस बनाई हुई है, मालूम है ना? अच्छा, तो क्या जरूरत है कि फिर आप मेंबर पर बैठे जैसे ही हम बैठे, फौरन
एक बार सूर्य हमद और तीन बार सूर्य इखलास की तिलावत करना कर शहंशाह हुसैन मरहूम इब्ने आबिद अली पर कि ग्रुप पे इंसान शहादत कर दे, ये पढ़वाने क्या बने, ऐसे सवाल नहीं पहुंच जाते क्या? ये सोचा इस पे क्या जरूरत है? जब मौला की मजलिस है तो उसमें उठते थे सूरह फातिहा क्यों? अच्छा एक बार हो गया खुतबे के बाद मसायब पढ़ लिया मौलाना ने, फिर सूरह फातिहा, इसकी क्या जरूरत हो, इसकी क्या जरूरत हो? आज के बाद शायद कोई मजलिस के बाहर नहीं बैठेगा, और जिन बच्चों ने अपने बाप का मकान ले लिया है, जमीन ले ली है, उनकी पेंशन का पैसा खा रहे हैं, मगर इतनी तौफीक नहीं है कि वो मजलिस की एक मजलिस पर्सी के नाम पे इशारे सवाब के लिए करे, सुन ले क्यों जरूरी है मजलिस? अच्छी माशरा, अच्छा बड़ा मसला है, अम्मा मर गई, अच्छा था क्या करे, घर लगे तो अम्मा का सारा पका है वो किसी फकीर को दे दो, अम्मा जिस लोटे से बच गया अम्मा का लोटा इसमें पानी मत पीना बेटा, किसी फकीर को दो, अम्मा वाली चार पाई किसी फकीर को दो, वो अम्मा की चादर है हाँ रजाई गद्दा कंबल किसी गरीब को दे दो, वो अम्मा का पायल इसे अलमारी में रखो, अम्मा बोले तो कर कोई मारे भाई, माशरा मेरा नौजवान कितना बेगैरत हो गया है, ये सब भूल जाता है तरह जवानी के तरंग में, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया है, 2:30 बजे रात तक जो व्हाट्सएप चला किसी से कॉन्टेक्ट बन गया, सब कुछ तय कर लिया, अम्मा हमने अपना रिश्ता तय कर लिया, कहाँ तय किया, एक बार माँ से पूछा नहीं, अब्बा रिश्ता तय कर लिया, अरे माँ से पूछ लेते, अरे आप समझदार है, तो समझ में आता है आप लोगों को, बुढ़े हो गए वहां बैठी है बेगैरत, जिसने तुम्हें इतना अकलमंद बना दिया कि आज डॉक्टर बनकर घूम रहे हो, वाह 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 वाह, नजर में अकलमंद आज भी खाना करते फिर रहे, पर तुम्हारी आज सोचो तो सही, ये माँ और बाप है कि जिसने नाश्ते में रोटी नहीं खाई, दोपहर का खाना नहीं खाया, मैंने तुम्हारे लिए एक किलो दूध का इंतजाम किया, तुम भूखे न रह जाओ,
बड़े अच्छे नौकर खान हो, बड़े अच्छे खतीब हो, बड़ी अच्छी पेशानी आई है, बड़े अच्छे शायर हो, सोचो तो सही में किसने दिया? ये वही मैं, जरा सा चेहरा जो जवानी में चमक गया, मैं कह सकता हूं इसलिए मैं भी कुंवारा, जरा सा जवानी में चेहरा जो चमक गया, कोई पिसल गया, माँ बाप को किनारे बगा हटा के उसी के हो गए, उसी के हो गए। अब शादी के बाद जानते क्या शिकवा होगा? जवानों सुधर जाओ, सुधर जाओ। खदीजा ने भी मोहम्मद अरबी को पसंद किया था, क्या कहा नबी ने? ठहर जाइए, पहले चचा से पूछ लू, चचा से पूछ लू, जब जनाबे सैयदा की वफात हुई, अली जैसा नसाबेरा जिसकी तलवार 70 नस्लों को देख के चलती हो, वो भाई अकील के पास जा रहा है, बड़े भाई के पास, भैया मुझे शादी करनी है, इसलिए किसी शजा और शरीफ घराने की औरत की तलाश करो। ये अली और नबी का किरदार क्या बता रहा है? या रसूल अल्लाह, आपका कलमा पढ़ के लोग मुसलमान होते हैं, आप कहां है, आप यासीन है, आप मुरम्मिल है, आप नसीर है, आप सियाज है, आप मुनीर है, आप बशीर है, आप जुंदे अमल है, आप तो जुंदे अमल है, आप तो होटल है, आप अपना रिश्ता खुद से तय कर लीजिए, चाचा से पूछने की जरूरत क्या है? कसम तुम्हारे जैसे 2021 के जवानों को बताना चाहता हूं, जब मुझे जब नबी को सेवा नहीं देता, जब बुजुर्ग के होते हुए अपना रिश्ता खुद से तय कर लूं, तो तुम जैसे चुमा चुमा 8 दिन के चुम्मन छेदी दो। किसने अख्तियार दिया? गए अबू तालिब से पहले पूछा, मेरे लाल जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी, अकील से क्यों? कहा बाप मर जाए तो बड़े भाई से पूछना, इसलिए कि वो तुम्हारे बाप की जगह है। सीरत कहा गई हमारे यहां, ये सीरत लाइज हो रही, मेरा जवान जरा सा खूबसूरत हुआ, बाबू की डील डोल पड़ गई, किसी के चक्कर में आ गया, शादी कर, शादी उससे पूछो कि बाबू में ताकत किसकी वजह से, पाओ में ताकत किसकी वजह से? आराधना जवानों सुनो, अपनी खूबसूरती पर इकरार नहीं, ये मां है कि जिसने बचपन में तुम्हारे सर को तकिए पे संभाल के रखा, इसलिए ये सर खोल दिखाई दे रहा है, अगर उसने सर में संभल के तेल न लगाया होता तो आज ये सर टेढ़ा होता। ये तो आंखें इतनी अच्छी देख रहे हो, ये मां का कमाल है, अगर उसने संभल के आंखों में काजल न लगाया होता तो तुम आज काले होते। जब मां का कमाल है कि उसने अपने हिस्से का पेट काट के इन हाथों में इतनी मालिश की, इतनी मालिश की कि घंटों मातम करने के बाद भी ये हाथ थकने को तैयार नहीं है। जब मां है जिसने इस पांव में सालों इतनी मालिश की है कि कई किलोमीटर चलने के बाद भी ये पांव थकने को तैयार नहीं, आपका ये एहसान भूल गए, मां का ये एहसान भूल गए, पांव में ताकत हो गई तो उसी को लात मारने लगे, हाथ में ताकत हो गई तो उसी को। सुनिए रिवायत के बरबिना रिवायत के हवा से लोग मशर में तरफ खड़े होंगे, फरिश्ते खेच के जहन्नम में ले जाएंगे, आएंगे मौला के पास, मौला आपका जाहिर हूं, मौला कहेंगे सही, आपका ताकी हूं सही, आपका तो वहां खान सही, मौला मुझे जन्नत क्यों नहीं मिल गई? खबर देख तेरा बाप खड़ा रो रहा है, वो तेरी मां खड़ी रो रही है, क्यों? कहा तुमने उसका हाथ अदा नहीं किया है, जा पहले उससे दे, जा उससे पहले मिल, क्या मौला सुपर तो आप है, अख्तियार तो आपके हाथ में है, जन्नत दे दीजिए, मौला डांट के कहेंगे हट जा, जब तू अपने बाप का नहीं हो सका तो मेरे बाप का क्या होगा? गुफ्तगू हो गई, मुझे एक जुमले में समेट के गुफ्तगू बंद कर देना,
मेरे अजीज हो, इस ठंडे के आलम में मैं ठंडी में आया, सामीन बेचारे खुदा सब जो बाहर खड़े हैं अंदर बैठे बनाए मैं सबको सलामत रखे और इनकी बेखाइशों को दूर करे। मेरे अजीज हो, मेरे दोस्त हो, क्यों जरूरत पड़ी कि मजलिसी की जाए, बुलाया जाए? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई खास रीजन जरूर है। जल्दी से बताइए, मजलिस होती है तो कौन कौन आता है? 10-25 मैंने खत्म कर ली है। मैंने कहा था कि मजलिस पर सब कोई बैठेगा, सब कोई मजलिस करेगा। मजलिस में कौन कौन आता है? अहले बैत आते हैं, कम से कम 75 ताकीदा है कि नहीं? पीछे वाले तक शर्माते का है भाई, लोग चोरों का नाम लेते हैं, नहीं शर्माते अच्छो है कि नहीं? इन्होंने तो चोर के लिए उंगलियां काट के फिर जोड़ दी। बोला कीजिए इनके नाम पे। इन्होंने सबको इज्जत दी है। जो मेरे अजीज हो, कौन कौन आता है मजलिस में? मोहम्मद अरबी, हजरत अली, जनाबे फातिमा, और कौन? इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये बताइए कि हमने जो कहा कि सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, शहंशाह हुसैन जैदी साहब इब्ने आबिद अली की रूह को इशार कर दीजिए, हम चैलेंज कर सकते हैं कि सूरह फातिहा कबूल हो गए? आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? चलिए हम लोग तो गुनहगार हैं, मराजे दिखाइए। आयतुल्ला सिस्तानी तो पूछिए, कहेंगे नहीं अल्लाह की रहमत होगी तो कबूल हो। आयतुल्ला खामनाई से पूछिए, अल्लाह की रहमत होगी तो तवज्जो कबूल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी को यह पता नहीं, किसी को यह यकीन नहीं कि जो पढ़ा है वो कबूल हो जाएगा। तवज्जो अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन जैसे ही जाकिर ने कहा एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करके शहंशाह हुसैन की रूह को इशार कर दीजिए, वैसे ही अगर एक सूरह फातिहा नबी ने पढ़ दिया, एक सूरह फातिहा अली ने पढ़ दिया, एक सूरह फातिहा फातिमा ने पढ़ दिया, एक सूरह फातिहा हसन ने पढ़ दिया, एक सूरह फातिहा हुसैन ने पढ़ दिया, अब आपको समझ में आया कि हम मरने वाले के लिए कंफर्म क्यों है कि वो जन्नत ही में जाएगा? क्या लिए? जिसके लिए जन्नत के सरदार खुद सूरह फातिहा सलाम के हम इसमें दिक्कत यह है कि कम इल्मी की वजह से 2 घंटे से कम नहीं पढ़ पाता, मजबूरी है, लेकिन वक्त खत्म हो गया। कभी इंशाल्लाह याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसा है नहीं है आप उनकी मजलिस पैसे की मोहताज नहीं है, सब छोड़िए, मजलिस लिफाफे की मोहताज, मजलिस आज लिफाफे की मोहताज, जनाबे सैयदा लिफाफे की मोहताज। हमारे किसी गरीब की मजलिस इसलिए ना हो कि वो पैसा नहीं दे पा रहा। माशरे का अजीब हाल है, इतना माशरे को तब्दील कर दिया है, बेचारा गरीब आदमी भी मजबूरन बिरयानी पकवाता है कि अगर हम ना पकवाएंगे तो कोई आएगा नहीं। ये बताइए मुनासिब है कि वो कर्जा लेके हमको बिरयानी खिला? ये कैसे खत्म होगा? इसको जब बड़े लोग खत्म करेंगे तो नहीं कहता मैं कि सवाब नहीं, बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन मेरे अजीजों कभी कभी मुस्तहिल अगर किसी चीज की पामाली के सबब बन जाए, मैं जुमला कह रहा हूं, इसमें बहुत सारी शिखे हैं, आप देखिएगा, तो उसे रोक दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। जो अधिकार होता है मेरे अजीज, क्यों ये होता है कि भाई इस पर रुक जाते हैं? मजलिस क्या है? मुस्तहब। अदान क्या है? वो भी मुस्तहब है, लेकिन जरूरत किसकी ज्यादा है? तो इसलिए मजलिस को यही हाल है मुस्तहब। बस मजलिस मैंने खत्म कर दी मेरे अजीज, उसके बाद आदमी बिरयानी खा के हिलाल करता हुआ बाहर निकला। भाई खाना खा लिया? मौलाना मगर बिरयानी अच्छी नहीं थी, नमक ज्यादा था, गोश्त अच्छा नहीं बना था। मेरे दोस्तों आपका भाई मर जाए, जवान भाई, कोई बिरयानी खा के आपके सामने ये कहे
कि बिरयानी अच्छी नहीं थी, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? पहले खुद को सोचिए। आपका बाप मर जाए और कोई आपसे कहे कि साहब बिरयानी अच्छी नहीं थी, बिरयानी अच्छी नहीं थी, ये अपने दिल से पूछिए, आप क्या कहेंगे? ऐसा मत कीजिए, ये माहौल बस मैंने जहमत तमाम कर दिया। मजलिस में पंजतन आती है, कितने पैगाम दिए जोड़ लीजिए जल्दी। पहली चीज नमाज, में कोई चीज अलग से आने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब हो चुका है, ठीक। तीसरी चीज कि अगर कोई जाकिर ऐसी चीज पढ़े कि समझ में ना आए तो उसे सवाल कीजिए, वो जहां तक जवाब दे पाएगा दे पाएगा, उसके जवाब से तशफी ना हो तब जाकर फिर दूसरे जाकिर से पूछ लीजिए, दिल में इजाफा करते रहिए। तीसरा ये कि जब भी मजलिस बरकत हो तो मजलिस पर बैठिए, मजलिस हुसैन की बरकत बहुत ज्यादा। चौथी चीज मजलिस करना इसलिए जरूरी है कि मजलिस में पंजतन आते हैं, अगर उन्होंने एक सूरह फातिहा पढ़ दिया तो हमारे मरहूम की जिंदगी कामयाब। चौथी चीज, कभी ऐसे खतीब को मिंबर पे ना बिठाइए जो आपकी हिदायत के लिए काफी ना हो, खुद आपकी हिदायत का महत्व बता दो, ऐसे लोगों को मिंबर पे बिठाइए। बस ये छह पैगाम थे और आयत का अब तर्जुमा कर रहा हूं, इन्ना फज़ला बियदिल्लाह होती है मुझे शान, ये वो फजीलतें हैं फर्श अदा की जो अल्लाह ने आपको दी है, और ये सबको इसलिए नहीं मिल सकती कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता। एक जुमला आपसे कह रहा हूं, सब मजलिस में आते हैं, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। मैंने अभी कहा कुछ बुजुर्ग हमारे कुर्सी में बैठे हुए, इनसे पूछिए क्यों बैठे, उनको शौक है, उनसे पूछिएगा क्यों बैठे, कहेंगे भैया घुटने में बहुत दर्द है, कमर में बहुत। मैंने यकीनन जुरत दिखाई कि उनको बाहर से अंदर बुलाए, ये सिर्फ मोहब्बत के लिए कि शायद फर्श अदा की बरकत से उनको कुछ सेहत मिल जाए। लेकिन हुक्म क्या है, अगर कोई ऐसा मरीज बुजुर्ग कहीं बैठ जाए उसे बैठे रहने दीजिए, हिलाइए नहीं, इसलिए कि जिसके कमर में तकलीफ हो उसे हिला नहीं जाए, उससे बार बार उठा। मेरे अजीजों, कमर में जरा सा तकलीफ हो तो बार बार हिला नहीं जाता, अगर किसी के पहलू की तीन तीन हड्डियां टूट जाए। उसे कितनी तकलीफ होगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी मेरे अजीजों। लेकिन आप अपना मकाम पहुंचानी है, मैं क्यों कह रहा हूं फर्शी अदा पे बैठिए, इसलिए कि हमारे नजीस आंखें नजीस आंसू, और जब हम कमे हुसैन में रोना शुरू करते हैं तो फातिमा एक हाथ से अपना टूटा हुआ पहलू थाम के उठती है, दूसरे हाथ में रुमाल लेती है। जब आप रोना शुरू करते हैं तो कभी इस अदादार के आगे, कभी उस अदादार के आगे, कभी उस अदादार के आगे, एक जुमला, ए रोने वालों अपने आंसू में रुमाल लेते रहो, अल्लाह अल्लाह रुमाल फातिमा ने इतनी बरकत दी, आंखों से निकला हुआ किसी सासू जख्मे हुसैन का मरहम बन गया। आंसुओं की कोई कीमत नहीं, रुमाल फातिमा ने बड़ी बरकत दी, आप फातिमा चेहरा का भरोसा है, आप फातिमा चेहरा का यकीन है, आप अदादार हुसैन है, आपको देख के फातिमा दुआ देती है, मेरे लाल के चाहने वालों आबाद रहो। फातिमा आज विलादत का शहादत फारसी में है, शहादत है फातिमा के हवाले से अजीब जुमला लिखा हुआ। अजीजों, मैंने दो शहीद को देखा जो जिंदगी में एड़ी रगड़ रहा था, एक मदीने में है, एक कर्बला। खुल के कह दूं, एक दादी है, एक पोता है। बयान है कि जब फातिमा पे जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, सैयदा के पहलू की तीन दिन हड्डियां टूट गई, बदन में मोहसिन की शहादत हो गई, उसमें अजीब जुमला लिखा, यही जुल्म नहीं हुआ बल्कि दरवाजे की जलती हुई कील फातिमा के कलेजे पर आई।
कलेजे की तकलीफ जो फातिमा की पढ़ी तो फातिमा ने एड़िया रखना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब जुमला था, ए पिता अरे दरवाजा उठाओ मेरा मोहसिन मारा गया। सीने की तकलीफ जिक्र में किया शहजादी ने, पहलू के टूटने का तस्करा न किया शहजादी ने। अल्लाह अकबर, फिजा ने मदद की, शहजादी दरवाजे से बाहर निकलाई। ए मेरे अजीजों, ये पहली शहीदा जो एड़ी लगा रही थी कलेजे की तकलीफ से, वो फर्क ये है कि यहाँ फिजा करीब मौजूद थी। लेकिन एक शहीद जो करबला में एड़ी रगड़ रहा था, घुटनियों चलता हुआ 57 बरस का एक पाप करीब पहुंचा। क्या मेरे लाल, एड़िया क्यों रगड़ते हो, ये एड़ी क्यों रगड़ते हो? आवाज दी, बाबा कलेजे में पर्ची की अली टूट गई है, बहुसैन ने आस्तीन को समेटा, घुटनियों के बल बैठे, याली मदद कह के जो पर्ची की अली कलेजे से खैची, पर्ची के साथ साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। 57 बरस का बूढ़ापा बेटे से लिपट गया। ए मेरे लाल अली अकबर, क्या 18 बरस मैंने तुमको इसीलिए इल्ला इल्ला की हिफाजत फरमाए, तमाम बलाओं से महफूज करीम परवरदिगार, मरहूम के तमाम सयाद बख्श दे, पसमंदगान को सबसे जमीन इनायत फरमा, हमारे बुजुर्गों को सेहत और सलामती अता फरमा, उनका साया हमारे सरों पे बुलंद रख, करीम परवरदिगार हमारे दरमियान से आपसी इख्तलाफात को खत्म कर दे, हमारे भाइयों के दरमियान भाईचारा कायम फरमा, करीम परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुंतकिम खून हुसैन इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजीद फरमा। गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर शहंशाह हुसैन ज़ैदी इब्न आबिद अली की रूह को हिफ़ाज़त फरमा।